इधर मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर मंत्री मोहन यादव ने कहा इस पर कि कोर्ट के सामने सारी स्थिति रखना हमारा दायित्व है। देखिए मंत्री मोहन यादव से हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद की खास बातचीत। राज्य सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट गई है और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि सिर्फ पंचायत चुनाव में सामान्य सीटों पर चुनाव हो, ओबीसी सीटों पर चुनाव ना हो, एसटीएससी सीटों पर चुनाव हो, अब सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो आपने आदेश दिए थे उसे वापस लें और 4 महीने के लिए चुनाव टाल दें, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज 51% के करीब है और उनके साथ अन्याय हो जाएगा अगर आपका फैसला लागू रहेगा। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, ओबीसी समाज से भी आते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार और कहा है कि चुनाव को 4 महीने के लिए टाल दिया जाए और ये भी कहा है कि अगले 3 महीने में हम रिपोर्ट भी दे देंगे कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की क्या स्थिति है। देखिए ये बात सही है कि सरकार के कारण से सरकार के सामने विषय था और जिस अध्यादेश के अंतर्गत चुनाव होने वाले थे उस अध्यादेश को निरस्त करके चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग निर्णय करेगा, लेकिन ये बात सही है कि उस अध्यादेश को निरस्त करने के लिए कल कैबिनेट में वो प्रस्ताव निरस्त हुआ है। वो सूचनार्थ राज्यपाल को भी जानकारी चली कि राज्यपाल ने भी अध्यादेश वापस करने के साइन कर दिए हैं और माननीय न्यायालय के हाथ में है, अब जैसा न्यायालय निर्णय करे। लेकिन सर, कोर्ट गई है सरकार और कहा है कि जो 17 तारीख को आपने आदेश दिए थे कि ओबीसी सीटों पर चुनाव ना हो और उसे सामान्य माना जाए ओबीसी सीट को लेकर, आप सही मानते हैं इसको? क्योंकि हम देख रहे थे सदन में भी आप लोगों ने कहा था कि ओबीसी समाज के साथ अन्याय हो जाएगा अगर चुनाव हो जाएंगे, विपक्ष ने भी आपका समर्थन किया था। देखिए माननीय न्यायालय के सामने सारे तथ्य आ गए हैं, इसलिए अब उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है ना उसका कोई अर्थ निकालना। मैं समझ सकता हूँ कि जिस ढंग से कैबिनेट में सरकार ने अपना निर्णय किया है, न्यायालय के संज्ञान में सब कुछ लाया जा चुका, अब न्यायालय के हाथ में न्यायालय क्या निर्णय करता है। सर, ये मान लिया जाए कि 4 महीने का वक्त मांगा है तो 4 महीने के बाद पंचायत चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 7 साल से हो गए हैं। बात सही है कि माननीय न्यायालय के सामने समक्ष में सारी स्थिति रखना हमारा दायित्व बनता है, न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही आगे कुछ स्टेप तय होंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, परिसीमन वापस से होगा? अगर ये अध्यादेश वापस हुआ तो स्वाभाविक रूप से सारी प्रक्रिया फिर से होगी, इसलिए मैंने फिर कहा कि चुनाव आयोग और न्यायालय के पाले में गेंद है, वो जो निर्णय करना चाहे करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। ये कह सकते हैं कि बस्ते में नजर आ रहे हैं क्योंकि कोर्ट में पूरा मामला है, लेकिन सरकार ने मांग करी है कि पंचायत चुनाव को 4 महीने के लिए टाल दिया जाए और इसके साथ साथ 17 दिसंबर को जो आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको लेकर भी सरकार ने याचिका लगाई और कहा है कि उस आदेश को भी वापस ले, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% से ज़्यादा ओबीसी समाज है और उनके साथ अगर ये फैसला लागू होता है तो अन्याय हो जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची है राज्य सरकार। कैमरामैन हेमचंद के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।